इंडिया इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच जो ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में खेला गया था वो ड्रॉ खत्म हुआ था और इंडिया की टीम उस मैच में काफी आगे थी और जीत सकती थी, लेकिन डे 5 पे बारिश की वजह से वो मैच ड्रॉ हो गया था। इस मैच की सारी अपडेट्स हमने आपको हमारे यूट्यूब पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों जगह दी थी। और अब जो सेकेंड टेस्ट मैच इस सीरीज का खेले जाने वाला है वो 12 अगस्त से स्टार्ट होगा। ये टेस्ट मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा जो कि लंदन में है और इसको होम ऑफ क्रिकेट भी जाना माना जाता है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जितना जितना लकी इंडिया के लिए नॉटिंगम ट्रेंट ब्रिज रहा है उतना ही लकी लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड भी है। इंडिया की टीम और इंडिया के प्लेयर्स दोनों ही लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में काफ़ी अच्छा करते हुए कर रहे हैं जब से इंडिया की टीम लॉर्ड्स में खेल रही है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप फाइव इनिंग्स ऑफ बैट्समैन लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में इंडियन प्लेयर्स की। तो जो इस लिस्ट में फिफ्थ नंबर पे आते हैं हमारे मेरी टॉप फाइव की लिस्ट में वो है वीनू मांकड़। 1952 में इंडिपेंडेंट इंडिया पहली बार इंग्लैंड में किसी दौरे पे गई थी और इस दौरान सेकेंड टेस्ट मैच में वीनू मांकड़ ने 184 रन की पारी खेली थी जो कि उस टाइम पे हाइस्ट रन थे बाय अ टेस्ट बैट्समैन। वीनू मांकड़ इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी पारियां खेल चुके हैं और ये उनमें से एक पारी थी। वीनू मांकड़ इंडिया के इतिहास के पन्नों में भी हैं और उनके नाम पे अंडर 19 एज ग्रुप क्रिकेट में एक वनडे टूर्नामेंट भी खेली जाती है जो कि वीनू मांकड़ क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से खेली जाती है। ये अंडर 19 लेवल पे खेली जाती है और ये एक वनडे टूर्नामेंट होती है जितने भी अंडर 19 क्रिकेटर्स हैं स्टेट वाइज रिस्पेक्टिवली। फोर्थ नंबर पे जो इस लिस्ट में आते हैं वो हैं दिलीप पेंसरकर। दिलीप पेंसरकर के काफ़ी सारी अच्छी पारियां लॉर्ड्स में आई हैं और वो लॉर्ड्स के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इंडियन माने जाते हैं। 1979, 1982 और 1986 तीनों बार जब दिलीप पेंसरकर ने लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेला था तो उन्होंने वहां पे 103, 157 और 126 रन की पारियां खेली थी रिस्पेक्टिवली। वो इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आते हैं क्योंकि ये पारियां उन्होंने 1979, 1982 और 1986 में खेली थी। तीसरे नंबर पे जो इस लिस्ट में आते हैं वो है द ग्रेट सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ने इस 1996 वाले इस मैच से पहले अपना ओडीआई डेब्यू किया था और उसके बाद 5 साल तक वो इंडिया की टीम के साथ नहीं थे। 1996 में इस मैच के दौरान लॉर्ड्स में उन्होंने अपना डेब्यू किया था राहुल द्रविड़ के साथ और सौरव गांगुली ने इस मैच में 131 रन खेले थे। उसके बाद वाली सारी पारियां सौरव गांगुली की इतिहास बनती चली गई। ये पारी बहुत ज़्यादा डिफाइनिंग पारी थी उनके करियर में क्योंकि जो भी प्लेयर अपने डेब्यू पे वो भी स्पेशली लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो होम ऑफ क्रिकेट भी है वहाँ पे 100 मारता है तो उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और आने वाले मैचेस में उन्होंने इसी को कैरी फॉरवर्ड किया और वो इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स भी बने। दूसरे नंबर में जो इस लिस्ट में आते हैं वो है द ग्रेट राहुल द्रविड़। 2011 के दौरे में जो राहुल द्रविड़ का लास्ट इंग्लैंड दौरा था उसमें राहुल द्रविड़ ने लॉर्ड्स के ग्राउंड में 103 रन की पारी खेली थी जिससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी। राहुल द्रविड़ का इंग्लैंड का रिकॉर्ड वैसे भी बहुत अच्छा है। उन्होंने 2007 में जब इंडिया लास्ट टाइम एक सीरीज जीती थी इंग्लैंड में उसके कैप्टन भी थे राहुल द्रविड़। नंबर वन पे इस लिस्ट में जो प्लेयर आते हैं वो हैं अजिंक्य रहाणे। 2014 वाले टूर पे अजिंक्य रहाणे ने 103 रन की पारी खेली थी और अगर हम बार बार बात करते हैं अजिंक्य रहाणे हर उस लिस्ट में पाए जाते हैं जब भी इंडिया ओवरसीज खेलती है स्पेशली इंग्लैंड में। अजिंक्य रहाणे इस टूर पे भी इंडिया की टीम के साथ है और वो उस पारी को ज़रूर सेकेंड टेस्ट मैच जो इंडिया इंग्लैंड का खेले जाने वाला है उसमें उसको रेप्लिकेट करना चाहेंगे और एक अच्छी पारी दोबारा खेलना चाहेंगे इस ग्राउंड पे। अजिंक्य रहाणे का इंग्लैंड का रिकॉर्ड वैसे भी बहुत अच्छा है और वो अब सेकेंड टेस्ट मैच में अच्छा करना चाहेंगे इंडिया की टीम के साथ। और इस लिस्ट में टॉप फाइव बैटिंग परफॉर्मेंसेज लॉर्ड में नंबर वन पोजीशन पे अजिंक्य रहाणे आते हैं क्योंकि वो इस दौरे पर भी हमें खेलते हुए दिखेंगे। अजिंक्य रहाणे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टूर में क्योंकि वो ये इनका तीसरा टूर है इंग्लैंड का। और ये आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, उसकी लिंक आपको हमारी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अपडेट्स के लिए हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे सबसे पहले आपके पास हमारा अपडेट आ जाए। और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है शाश्वत भल्ला।